छुट्टियां हैं, शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां हैं, बच्चों की है, वैकेशन है, शादियों का टाइम है। ऐसे में अब यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही है। रेलवे ने तो कह दिया कि यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हुई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इस समय जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, स्कूल वेकेशंस होते हैं, कई सारे विभागों की छुट्टियां भी चल रही होती हैं। ऐसे में जब कोई वेकेशंस की प्लानिंग करे, ऐसे में अगर ट्रेनें रद्द रहें तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके के हालात हैं, वो कोयले के संकट को एक तरीके से देखा जा रहा है और इसी की वजह से कई गाड़ियों के रद्द होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से जो बताया गया है उसमें उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ कार्य उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और इसी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनें रद्द की गई हैं वो आंकड़े काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि कुछ ट्रेनें कुछ दिन पहले ही रद्द की गई थी और अब मध्य प्रदेश से करीब 18 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई है और उसमें से 9 ट्रेनें जो है वो भोपाल से ही होकर गुजरती है और कहीं ना कहीं भोपाल पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। भोपाल बिलासपुर की जो ट्रेनें वो रद्द हुई है, इसके अलावा और भी जो ऐसी ट्रेनें हैं जो भोपाल से होकर गुजरती थी वो ट्रेनें रद्द हुई हैं और इसका जो इसकी वजह से लोगों की प्लानिंग्स में दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अगर अपनी कुछ प्लानिंग करनी हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो ट्रेनें रद्द हुई हैं ज़्यादातर पश्चिम बंगाल या पूर्वी भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनें रद्द हुई हैं और ज़्यादातर जो कोल की जो माइंस है वो उधर की तरफ ही हैं और वहाँ से जो बालगाड़ियाँ निकलती हैं उनके रूट को संचालित किया जा सके, कोई उसमें रुकावट ना आ सके, इसी वजह से उस क्षेत्र की जो ट्रेनें हैं वो रद्द हुई हैं। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो लोगों को ज़रूर भुगतना पड़ रहा है और इसका अल्टरनेट अब तक कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में अब आने वाले समय में और किन तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ ट्रेनें जो है वो 24 तारीख तक के लिए रद्द हुई है, कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो 23 तारीख तक के लिए रद्द हुई है और वहीं 18 तारीख तक के लिए भी कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनें 18 तारीख के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से अभी संकट जारी है ऐसे में देखना होगा कि कहीं आगे चलकर और ट्रेन तो रद्द नहीं होती है, अगर आगे चलकर भी कुछ ट्रेनें रद्द की जाती है तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, समस्याएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बिलासपुर से संदीप करियार भी हैं। संदीप, जिस तरह से बात करें, छत्तीसगढ़ की अमूमन ऐसी गाड़ियां जो जबलपुर, रीवा, नागपुर तरफ जाती हैं या फिर पश्चिम बंगाल की संतरागाछी तक की यात्रा की जो योजना जिन्होंने बनाई होगी, रिजर्वेशन जिन्होंने पहले से करवा लिए होंगे, उन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या वैकल्पिक व्यवस्था, रेलवे क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? यात्रियों की जो परेशानियां होगी अब उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? किस तरह से यात्री अगर बीच में फंस चुके होंगे, जो वहां पहुंच चुके होंगे, आना चाहते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए श्वेता, यात्री अब खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्योंकि रेलवे ने सीधे तौर पे खेत तय करते हुए हाथ तय कर दिया। आपको बता दें, पहले पिछले 2 महीनों से कर रही थी, लेकिन अब जो 15 दिनों के भीतर में रेलवे ने लगभग 40 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इन ट्रेनों में बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 3 डिवीजन आते हैं जिसमें बिलासपुर, रायपुर और नागपुर है, जो कि कटनी तक यहाँ से गाड़ियां छूटती है, यहाँ से झालचुकड़ा तक और यहाँ से नागपुर तक का जो सफर होता है यहाँ से होता है। बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत यहाँ से गुजरने वाली प्रतिदिन 100 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती और छोटी। हम आपको बता दें, रेलवे ने एक आदेश जारी किया 23 मई से लेकर के 24 मई तक लगभग 40 ट्रेनें हैं जो कैंसिल की गई है। इनमें इन 40 ट्रेनों में 162 जो फेरे हैं वो ट्रेनों को लेना थी, जिसमें 572 ट्रेन मेल एक्सप्रेस है और 400 समथिंग कुछ पैसेंजर ट्रेन है। सीधे तौर पर यात्रियों को इसका सामना करना पड़ रहा है, सफर से उनका महरूम होना पड़ रहा है, रेलवे ने लेकिन साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन कैंसिल की गई है इनमें केवल यात्री ट्रेन को बस निशाना बनाया गया है, जबकि और मालगाड़ी, खाली मालगाड़ी को पटरी पर दौड़ने के लिए और भरी हुई मालगाड़ी को लेकर पटरी पर दौड़ने के लिए उनको लेकर के किसी भी तरह का रद्द नहीं किया गया। देश में लगातार गर्मी का सीजन है और कोयले के संकट को लेकर के बिजली आपूर्ति को पूरी करने के लिए यहाँ पर ट्रेनों का कैंसिल किया गया है और लोगों में, यात्रियों में खासतौर पर नाराजगी भी इस बाबत देखी जा रही है कि केवल कोयले की आपूर्ति के लिए बस रेलवे अभी प्रबंधन जो है वो कि ट्रेनों का परिचालन मालगाड़ियों का करा रहा है, यात्री ट्रेनें बंद कर दी, जिससे कई जगह पे विरोध भी अब देखना शुरू हो गया। वे यहाँ से हम देखें कि ब्रजराजनगर स्टेशन में कल बीते दिन पर लगभग 12 घंटे का रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें यात्री ट्रेनें समय पर चलाने के लिए, जो कैंसिल की गई ट्रेनों को वापस से रिस्टोर करने के लिए और साथ ही स्टॉपेज की मांग को लेकर के रेल रोको आंदोलन को जो पहला आंदोलन था यहाँ देखने को मिला। वहीं बिलासपुर में भी हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि इन स्टेशनों पर रोके। हम आपको एक बड़ी बात बताया श्वेता कि कोरोना काल के दौरान पे सभी यात्री ट्रेनें बंद थी और इस दौरान केवल मालगाड़ियों का परिचालन हुआ था, लेकिन अचानक से जब ये गाड़ियां सामान्य हुई उसके बाद से रेलवे ने
वापस से इन गाड़ियों को यात्री ट्रेनों को अब कोयले के संकट बता करके रोकना शुरू कर दिया। यही कारण है कि देश में आपूर्ति एक समस्या बताते हुए कोयले को बड़ी संख्या में चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यात्रियों को एक बार फिर से सफर के लिए मुसीबत भर सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोई व्यवसायी ने जो रिजर्वेशन करवाए हुए हैं अब उनको भी एक तकलीफ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके एन मौके पर उनकी टिकट कैंसिल हो जा रही है। शादी का सीजन है, समर वेकेशन है, ऐसे समय पर टिकट कैंसिल होने से यात्रियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यात्रियों में खासी नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि अचानक इस तरह से ट्रेन का बंद हो जाना और अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ फतेह सिंह जबलपुर से जुड़े हुए हैं। फतेह, जिस तरह से बात करें, कोयले की कमी से तो जूझ रहा है प्रदेश, और ऐसे में मालगाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा दौड़ाना है, इस वजह से यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि क्या पहले से तैयारियां नहीं की गई? हर बार गर्मी आती है, हर बार इस तरह से कोयला जो है वो आपूर्ति करना होता है, मालगाड़ियों को दौड़ाना होता है, अब जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्यों यात्रियों को जो परेशानियां होंगी, जबलपुर में क्या कुछ यात्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं अब जबलपुर में? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें, ये जबलपुर के इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर जो रेलवे ने 40 गाड़ियां अपनी यात्री ट्रेनें कैंसिल की हैं, उसको लेकर यहां पर यात्री हैं जो वो काफी परेशान हैं, क्योंकि इनके जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियां हो गई हैं, या साथ ही जहाँ शादी का सीजन भी चल रहा है, जिसको लेकर जो यात्री हैं काफी लंबी दूरी यात्रा करते हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा जो 40 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो रेलवे है उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के दौरान जो गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है और जो बिजली का संकट यहाँ पर गहरा रहा है, उसको लागू करने के लिए जो रेलवे है ये लगातार अपनी जो मालगाड़ियां हैं कोयले से भरी हुई वो यहाँ पर दौड़ा रहे हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर से जो मालगाड़ियां हैं वो यहाँ पर पटरियों को खाली रखा गया है, और लगातार जो कोयले से भरी मालगाड़ियां हैं वो यहाँ पर जा रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें जो आवागमन है जो मालगाड़ी का, वो उसको प्राथमिकता दी जा सके जिन रूट्स में कोयले की जो मालगाड़ियां चल रही हैं केवल उन्हीं रूट्स की यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें जो रेलवे के SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और जो अपना आता है नागपुर डिवीजन, इसी इलाके में कोयले की जो मालगाड़ियों का आवागमन है उसे सबसे अधिक यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें जो यात्री हैं यहाँ पर खासे परेशान हैं और अपना जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर कैंसिल करवा रहे हैं। जी, तो कैंसिल करवा रहे हैं, यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही है। भोपाल से हमारे साथ गौरव गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। गौरव, अब जिस तरह से देखिए यात्री ट्रेनों को अचानक से बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, हो सकता है अब ज्यादा से ज्यादा जो बोझ है वो ट्रेवल्स पर पड़े, बसों पर पड़े, एयरपोर्ट्स पर पड़े, उसके लिए भी क्या कुछ सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ट्रेनें रद्द की गई हैं, जाहिर सी बात है कि लोग अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो तलाशेंगे। इसमें जो बसेस का जो ऑप्शन है वो सबसे पहले लोग चुनते हैं, लेकिन अगर बसेस की बात करें तो लॉन्ग रूट के लिए बसेस भी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर किसी को पश्चिम बंगाल तक जाना है या किसी को झारखंड तक जाना है या किसी को बिलासपुर तक जाना है तो इतना लंबा सफ़र जो है वो बसों से तय नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दूसरा जो ऑप्शन निकालते हैं वो यही लिया जाता है कि जहाँ तक की ट्रेनें उनको मिल जाए वहाँ तक वो ट्रेनों से सफ़र करें, उसके बाद आगे का सफ़र जो है बस से करें, या वहाँ से कोई दूसरी ट्रेन को वो सिलेक्ट करके वहाँ से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके की ट्रेनें अभी रद्द की गई हैं खासकर भोपाल से, वो सभी लॉन्ग रूट की ट्रेनें थी, और ऐसे में जिन लोगों को लॉन्ग रूट का सफ़र तय करना था उन लोगों को खासी समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी, और क्योंकि ऐसी जगहों पर पहुँचने के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो कहा जा सकता है कि लोगों को इसकी वजह से काफ़ी समस्याएँ झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है कई लोगों को अपना जो प्लान है वो भी रद्द करना पड़े, लोग अपने जो प्लान है उसको पोस्टपोन करें, या तो जो उनके पास अल्टरनेट है उससे वो पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस रद्द होने की वजह से, ट्रेनों के रद्द होने की वजह से आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं, और आगे परेशान हो रहे हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, और बिजली संकट से उबारने के लिए रेलवे का ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, नहीं कह सकते हैं कि 40 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कोयला ले जाने वाली खाली और भरी मालगाड़ियों के आवागमन के लिए जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई। अब देखना होगा यात्री क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। शादियों का सीजन है, वो तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उन्हें जाना ही पड़ेगा, निजी साधन से जाएं भले ही कैसे भी जाएं। तमाम जानकारी के लिए आप सब जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।